हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैलनकोई या कलंचू के प्लांट्स हैं और ये पूरे सब देसी वैरायटी हैं, सिंगल पेटल पेटल वाले। सिंगल पेटल मतलब क्या होता है इसकी, ये देखिए, ये एक सिंगल सिंगल पेटल है, दिख रहे हैं। एक आता है जो डबल पेटल है, वो नीचे है। मैं आपको अगर हो सकेगा तो जरा सी क्लिप इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये डबल पेटल कलंकोई, डबल पेटल कलंचू। तो ये सिंगल पेटल के कलंकोई या कलंचू है। इनको मैंने छोटे गमले में, बड़े गमले में, ये देखिए, एक बड़े कंटेनर में, ये पूरा एक कंटेनर है, इसमें हैंगिंग बास्केट में कई तरीके से लगाया है, टेबल पे रखने के लिए छोटे कंटेनर्स बहुत तरीके से लगाया हुआ था। मगर अब आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये स्पेंट होते जा रहे हैं। स्पेंट मतलब क्या होता है, ये फ्लावर, ये जितने भी हैं ये सारे डेड होते जा रहे हैं। ये देखिए, ये अब हमको ऐसे ऐसे तो इसको कटिंग नहीं करनी है। तो मैं इसमें आज के वीडियो में स्टेप्स में बताऊंगी, सिंपल स्टेप्स में, कि आप इस कैलनकोई या कलंचू को प्लांट को रख सकते हैं। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, स्प्रिंग में फ्लावर करते हैं, मगर ये पेरिनियल है। ये प्लांट सक्यूलेंट हैं और आप इनको थ्रू आउट द ईयर रख सकते हैं, ताकि आपको हर साल ये नए नए नहीं खरीदने पड़े। ये मेरे कई साल के कलेक्शन है और ये बढ़ती जाती है। मैं आगे बताऊंगी, आप स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको बताऊंगी कि इसको समझ में क्या केयर करेंगे, कैसे पानी डालेंगे कि ये आपके पास ये थ्रू आउट द ईयर रहे, और अगले साल कैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखिए, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हम लोग शुरू करेंगे, ये वाला कंटेनर लेते हैं। ये देखिए, एक्चुअली में जब फ्लावर फुल ब्लूम पे होता है तब ये हर स्टॉक ऐसे भरी रहती है। ये एक में भरी हुई है, बाकी में देखिए सब में खत्म है, कुछ में है, कुछ में बची हुई है। ये दो चार दिन में ये भी सब विल्ट कर जाएंगी, और ज्यादातर कैसी हो रही है, इस टाइप की हो रही है। दूर से रेड रेड दिख रही है, मगर ये एक्चुअली में स्पेंट होने लगे हैं फ्लावर्स। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जैसे ही इसकी फ्लावरिंग खत्म होती है, आप इसमें वाटरिंग तो करते रहिए जैसे कर रहे थे, मगर अब धूप शुरू हो गई है, स्टेप नंबर वन, इसको थोड़ा छाए में रख लीजिए। विंटर सन इसको अच्छा लगता है, मगर थोड़ा जब स्ट्रॉन्ग सन होता है तब इसको नहीं पसंद आता है। नंबर टू, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ये वाले, ये फ्लावर हेड है, ये वाला पूरा एक फ्लावर हेड है, इसको मैं दिखा रही थी आपको कि आप इसको ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे, जो ये स्पेंट है इसको ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे। इसको क्या करेंगे, ये स्टॉक यहां तक लेके जाएंगे, इस स्टॉक को यहां तक लेके जाएंगे और इसको यहां से गिव इट अ गुड कट, और ये देखिए एकदम शार्प सीजर्स लेके इसको यहां से काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये पूरा कट गया है, ये स्पेंट है, और ये ऐसे ये वाला भी काट दीजिए, ऐसे ये भी काट दीजिए, सब काट दीजिए जितने भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, मैं अभी एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, क्या होता है, ये फ्लावर्स होते हैं और ये फ्लावर्स के बाद इन्हीं फ्लावर्स में से छोटे छोटे प्लांट्स भी निकलते हैं, प्लांटलेट निकलता है, दिखाती हूँ। आइए कैसे दिखाती हूँ, एक प्लांट में ऑलरेडी आया हुआ है, ये देखिए, ये मैं पास ले आती हूँ, ये वाला प्लांट, ये देखिए, ये भी एक कंटेनर है, ये देखिए, ये वाला है, इसमें क्या हुआ है, ये देखिए, ये स्टॉक निकली थी, इसमें ये प्लांट बन गया है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो यहां से काट के आप इसको एक एक को प्लांट बना सकते हैं, जैसे ये काटा और इसको आप एक प्लांट बना सकते हैं, प्लांट कर देंगे, प्लांट निकल आएगा, ये मैं लगा दूंगी, ये देखिए ये। मगर हम लोगों को क्या चाहिए, मेरे पास एनफ प्लांट्स हैं, हेल्दी हैं, तो मेरे को ना क्या करना है, इनको सबको हटा दूंगी, मगर मैं हटा दूंगी क्योंकि मेरे को ये
जो ये फूल ये नीचे जो लीव्स हैं और ये प्लांट्स हैं आई वॉन्ट देम टू बी वेरी हेल्दी बाई नेक्स्ट ईयर. ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे करके काट दिया. शार्प सीजर्स लेके करिएगा. और जो ये निकाल यहाँ से कट रहा है इसमें ना तो आपको कोई फंगीसाइड लगाने की ज़रूरत है ना सिनेमन कुछ नहीं लगाना. आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते क्योंकि इसमें सेल्फ हीलिंग हो जाती है प्लांट में. ये सकुलेंट प्लांट होता है. ये देखिए मैं ये एक ही डिश में करके दिखाऊंगी आपको. ऐसे मैं सब में करूंगी. ये देखिए ये पूरा डेड हेड हो रहा है और नीचे मैं आपको प्लांट दिखाऊंगी. थोड़े बहुत हैं मगर इनको मैं घर में सजा लूंगी मगर अभी ये पूरी डिश तैयार कर दूंगी समर्स के लिए कि कैसे इसको मैं नंबर टू स्टेप जो है कि कट ऑल द. अच्छा जब आप कट कर रहे हैं तो इसकी जो ये लीव्स है खराब वो भी निकाल दीजिए. ये सब कट कर देती हूँ मैं. ये देखिए ये सब कट हो रहा है. इससे क्या होगा देखिए बहुत सारी एनर्जी इसमें जा रही है. वी डोंट वॉन्ट दैट. हम लोग को क्या करना है सारी एनर्जी ये प्लांट में चाहिए कि ये प्लांट जब थोड़े तक और ठंड है तो ये अच्छे से अपना एनर्जी रीगेन कर ले क्योंकि आगे आगे बहुत एडवर्स कंडीशन इसके लिए आने वाली है. कौन सी एडवर्स कंडीशन? तेज गर्मियां लू चलेंगी जब तब ये इसको स्टोर्ड एनर्जी चाहिए होगी अपने लिए. तो हम ये पूरा डिश का मैंने ये काट लिया. ये देखिए पूरा हर प्लांट को हर सीजन में ध्यान से ये देखिए पूरा रखना पड़ता है और उनका ध्यान देना पड़ता है. ये बेबी टियर्स को थोड़ा दूर कर देती हूँ. ये जितने भी हेड्स हैं इनको सबको मैंने ऑलमोस्ट निकाल दिया. देखिए अब ये हो गया है क्लीन. दो स्टेप हो गया क्लीन द प्लांट. डेड हेड कर दिया पूरा. अब ये हमारे पास पूरा प्लांट आ गया है. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है कि आप इसके नीचे चेक करिए कि कोई डेड लीव्स है कि नहीं है. कोई देखिए जैसे ऐसी लीव्स हो थोड़ी सी भी आपको लग रही है इन्फेक्टेड है इसको काट दीजिए क्योंकि इसके अंदर आप कभी देखेंगे कि इसके अंदर कभी कभी एफेक्ट्स ये कीड़े लग जाते हैं. इसको खोल के देखेंगे. देखिए इसको खोल के देखेंगे ना इसके अंदर देखिए ये काला काला है. ये इन्फेक्टेड है और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये पूरे में हो जाएगा. अब ये सब लीव्स चेक कर ली इनकी. ये देखिए एक और दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखिए लीव्स के बीच में रहते हैं कीड़े. ये देखिए ये सब लीव्स चेक करनी है. मैंने अपने स्पेक्स लगा लिए हैं और उनसे अच्छी तरह से देख के पूरी लीव्स चेक कर ली. ये थर्ड स्टेप है कि पूरा प्लांट चेक करिए. ये देखिए ये और जिन जो इन्फेक्टेड लीव होंगी वो धीरे धीरे ऐसे ही ड्राई आउट करके खत्म हो जाएंगी और अगर आपने नहीं चेक किया तो वो पूरा प्लांट ही डेड हो जाएगा. ये पूरी इसको अंदर अंदर से चेक करिए. ये देखिए डेड लीव्स जितनी भी हैं इनको सबको ये टूटा सूखा पत्ते सब ये इन्फेक्शन. ये देखिए एक लीव्स ये जितनी डेड लीव्स हैं नीचे कुछ गिरी पड़ी हैं ये सारे फंगल अटैक करेंगी इसमें. अब देखिए अब हो गया ये पूरा क्लीन हो गया. ये देखिए एक लीफ ये भी दिख रही है मेरे को. एक एक प्लांट को आपको चेक करना है थर्ड स्टेप में. एक ये देखिए ये फंगल अटैक का रीजन बन सकता है. पूरी तरफ से मैंने चेक कर लिया. अब क्या करना है इसमें? अब हम लोग को फोर्थ स्टेप है कि आपको इसको जब नेक्स्ट टाइम वाटर दें तो आपको फंगीसाइड डालना है इसमें. फंगीसाइड आप साफ डाल सकते हो या कोई भी बेबेस्टीन डाल सकते हो जो सिस्टमिक फंगीसाइड है. और जो मैंने कीड़े दिखाए थे वो फंगीसाइड से मर जाते हैं. तो
ये फोर्थ स्टेप हो गया, फंगीसाइड डालना है इसमें। आइए मैं आपको फंगीसाइड डालना भी दिखाई देती हूँ। ये देखिए ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड को वाटर में करीब एक टीस्पून लेके थोड़ा सा मिक्स कर देना है और इसको अच्छे से वाटर कर देना है। ये सिस्टमिक फंगीसाइड है, अच्छे से वाटर करना है। ये सिस्टमिक फंगीसाइड है मतलब क्या होता है, इट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स। इसके रूट जो हैं वो एब्जॉर्ब कर देंगे फंगीसाइड और इसकी लीव्स, इसकी हर जगह तक फंगीसाइड पहुंच जाएगा और फंगल अटैक इसमें से बच जाएगा। तो अभी रेनी सीजन भी आएगी, कुछ कुछ होगा, तो ये बीच बीच में आपको समझ में भी थोड़ा महीने एक में डेढ़ महीने में डालना पड़ेगा। तो अब फोर्थ स्टेप हो गया ये फंगीसाइड, फिफ्थ स्टेप है। अब जितने भी आपने प्लांट्स, जितने भी पॉट्स हैं आपके पास, ये देखिए ये सब करूंगी अभी मैं बैठ के। ये सब करने के बाद इनको इकट्ठा करके आई कीप देम इन अ क्लस्टर इन अ कूल ड्राई प्लेस, पेड़ के नीचे, मेरा बैकयार्ड है वहां रखूंगी। अगर आपके पास कोई दरख्त या पेड़ है उनके नीचे रख सकते हैं, या फिर आप किसी शेड, आर्टिफिशियल शेड हो या कोई ग्रीन नेट हो उसके नीचे कहीं शेडी एरिया में रखिए, जहां पर इट इज नॉट गेटिंग डायरेक्ट सन। बस अब इसको आप वाटर कम करा करिए समर्स में, जब ड्राई हो जाए टच करके देखिए, जब ड्राई है तब इसको वाटर करिए। और रेनी सीजन में स्पेशल ध्यान रखना है, और जुलाई अगस्त में फिर से इसको काट काट के, इतनी काट काट के कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट्स फ्रेश हैं इस डिश में या किसी भी पॉट में, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ऊपर ऊपर की कटिंग यूज करके जितने मर्जी आप प्लांट बनाइए, इतनी छोटी छोटी कटिंग लगाएंगे वो भी एक एक प्लांट बन जाएगा एक एक गमले में। ये ऐसे ही मैंने इतने सारे कर लिए हैं, ये ऊपर भी देखिए, अभी तो बाहर वर्टिकल गार्डन में भी है सब जगह। तो ये क्लस्टर में रखना है इसको इकट्ठे करके, ताकि ये मॉइस्चर एक दूसरे को प्रोवाइड करें और माइक्रो एनवायरमेंट इनका अच्छा रहे। तो ये केयर करेंगे तो आपका ये जो कलंचू या कैलंकोई का प्लांट थ्रू समर्स रहेगा आपके पास, पेरिनियल बनेगा, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे विंटर्स में और खूब वेल डेवलप्ड और खूब फ्लावरिंग होगी आपके विंटर्स में या स्प्रिंग में। अगर आपको ये वीडियो कैलंकोई या कलंचू को कैसे समर्स में बचाएं नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।